नमस्ते, मैं हूं मानव। आप देख रहे हैं द पंचायत। धारा 370 जब से हटी है तब से सारे देश में उत्साह का माहौल है। लोग धारा 370 के बारे में बात कर रहे हैं। कश्मीरियों को अपना बनाने की बात हर गली मोहल्ले में हो रही है। अब चूंकि घाटी में कुछ शरारती तत्व भी हैं, तो इस धारा के हटने के बाद कहीं कुछ बवाल ना हो जाए तो उनको काबू में करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती की गई है। कुछ अप्रिय घटना से बचने के लिए फोन और इंटरनेट सेवा भी बाधित है। ऐसा नहीं है कि सेना वहां किसी के साथ कोई ज्यादती कर रही हो, कोई जुल्म कर रही हो। धारा हटने के बाद सेना की कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई है जिनमें सेना कश्मीरियों की मदद करते दिखाई दे रही है। घाटी में फिलहाल सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन देश का एक तबका ऐसा है जो कश्मीर में सेना की तैनाती को अलोकतांत्रिक कदम बता रहा है। कहा जा रहा है कि सेना ने वहां के लोगों के साथ गलत किया है। ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि सेना वहां कत्लेआम कर रही है। सोशल मीडिया पर एक पूरी जमात ऐसी है जो लगातार ऐसे ही फोटो शेयर कर रही है। सब जानते हैं कि फिलहाल कश्मीर में शांति है और कुछ भी बवाल जैसा नहीं है। खून खराबे जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरों का इंटरनेट पर तैरना वाकई एक सोची समझी साजिश का नमूना लगता है। साजिश सेना को हथियारा दिखाने की, साजिश सरकार को गलत दिखाने की, साजिश 370 हटाने के फैसले को बेकार साबित करने की। सेना को हथियारा दिखाकर इन शरारती तत्वों को अपनी पोस्ट पर ना सिर्फ 1000-1200 लाइक्स मिल जाएंगे बल्कि कथित बुद्धिजीवी का टैग भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। खैर, उन्हें क्या मिलेगा या इतनी गंदगी उनके दिमाग में भरता कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इनके प्रयासों से समाज में सेना का एक अलग ही तरह का रूप जाएगा। ऐसा रूप जो बेहद निर्दयी है, ऐसा रूप जो खूनी है, ऐसा रूप जिसमें दया भाव नहीं है। ठीक है, सरकार से आपकी पर्सनल दुश्मनी है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सरकार का विरोध ही करना है तो करिए ना, किसने रोका है। लेकिन कम से कम अपने एजेंडे के फेर में भारतीय सेना को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, जब उन्हें पता लगेगा ना कि उनके अपने लोग भाई, जिनके लिए वो कड़ाके की ठंड और चिपचिपाती गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उनको कितना जोर पड़ेगा, कितना उनका दिल पर आघात होगा, या क्या कभी किसी ने सोचा है? मुझे तो सोच के अजीब सा लगता है। लेकिन चूंकि अभिव्यक्ति का अधिकार टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर मुख्यमंत्री को गली मोहल्ले का लौंडा समझकर गालियों से नवाजने वालों को मिला हुआ है, तो बस फिर इन लोगों को क्या कहा जा सकता है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप तक ऐसी तस्वीरें पहुंच रही हो तो आप उनको इग्नोर मारिएगा और हमारी भारतीय सेना पर भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि फिलहाल कश्मीर में सब कुछ सही है, कुछ भी हिंसक भिड़ंत नहीं हो रही है। याद रखिए कि सरकारें गलत हो सकती हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार गलत हो, लेकिन सेना को अपने फर्ज का अच्छे से पता होता है, इसलिए भूल कर भी सेना को कभी शक की निगाह से ना देखें, क्योंकि ये ना सिर्फ सेना का बड़ा नुकसान है बल्कि खुद हमारे देश की भी बड़ी क्षति है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे थे अशोक और मैं हूं मानव। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।